जिसमें आपको डबल प्रॉफिट होने वाला है। एक चीज और आपको एक्स्ट्रा में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको ना फोन का रिव्यू करने वाला हूँ और ना ही फोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, ना ही आज संडे है कि टेक्निकल सॉल्यूशन का प्रॉब्लम आपको मैं बताऊंगा आज। तो आज क्या है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लैपटॉप यूज करते हैं, छोटा सा फोन यूज करते हैं यानी कीपैड फोन यूज करते हैं या स्मार्टफोन यूज करते हैं, आपको तो डाटा का जरूरत पड़ता ही है, आपको कॉल करने रिचार्ज का तो जरूरत पड़ता ही है। सब गोल घूमकर मैं आ रहा हूँ रिचार्ज पे। यार रिचार्ज क्या होता था कि 28 दिन की वैलिडिटी आपको ही दी जाती थी, इससे बहुत दिन पहले आपको, हमको थोड़ा थोड़ा याद है, 30 दिन की वैलिडिटी मिलता था। आप रिचार्ज करवाते थे तो आपको 30 दिन मिलता था, बट क्या कर दिया गया था, 28 दिन कर दिया गया था। BSNL तो आ गया 26 दिन ही कर दिया है, छोड़िए BSNL को, 28 दिन कर दिया गया। बट सरकार के द्वारा एक आदेश आया है जिसमें आपको डबल प्रॉफिट होने वाला है। एक तो आपको, हमको पता है कि आपको पता है, बट दूसरा प्रॉफिट आपको नहीं पता है। सारे से मिलकर क्या कर रहे थे फ्रेंड, की जैसे 28 दिन की वैलिडिटी कर चुके थे, बट सरकार के आदेशानुसार अब क्या करना है, 30 दिन की वैलिडिटी सारे रिटेलर को करना पड़ेगा। एयरटेल हो, वोडाफोन हो या फिर जियो हो, जियो तो यार कुछ प्राइस सस्ता लगता है, बट इसको भी आपका प्राइस मतलब देख कर देना पड़ेगा 30 दिन की वैलिडिटी सारा सिम को, क्योंकि दंगा इसके लिए भी हुआ है, उतना बड़ा दंगा नहीं हुआ है, हुआ है इसके लिए स्ट्राइक किया गया है। तो सरकार ने आदेश निकाला है कि आपको 30 दिन की वैलिडिटी कर देना है, तो पहला तो प्रॉफिट आपका यह हुआ। क्यों ऐसा क्यों, जैसे देखिए आप रिचार्ज करवाते हैं तो आपको, आप तो सोच रहे हैं कि यार हम तो एक साल में 12 महीना का रिचार्ज करवाते हैं, बट आप भरम में है मेरे दोस्त, आपको 12 महीना का नहीं, आपसे 13 महीना का रिचार्ज लिया जा रहा है और 12 महीने का रिचार्ज आपको दिया जा रहा है। आप जोड़ सकते हैं मतलब 30 दिन की जगह आपको 28 दिन दिया जा रहा है, राइट, तो आपको 12 × 24 यानी एक साल में आपको 24 दिन की वैलिडिटी खा जा रहा है जो रिटेलर वाले हैं। और तो प्राइस तो मतलब रिचार्ज का तो प्राइस महंगा कर दे जा रहे हैं, और दो मतलब 24 दिन का इधर भी पैसा खाते जा रहे हैं। तो ये दो चीज़ आपको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। एक चीज़ और आपको एक्स्ट्रा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर मेरे लॉयल व्यूअर हैं तो इंड स्क्रीन में आपको एक वीडियो मिलेगा, अमेजन पे से रिचार्ज करके आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। हाँ, आप तो रिटेलर के पास जाते हैं रिचार्ज करवाने, बट आप अपने अमेजन पे से, हमको पता है कि आप 18 साल से ऊपर है नहीं भी, तो अगर आपका अकाउंट SBI में है तो आपको ATM मिल जाएगा, उससे आप बना सकते हैं अमेजन पे और उससे आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। 50 से 100 रुपये एक रिचार्ज पे आपको प्रॉफिट होने वाला है, इंडस्ट्री में वीडियो मिलेगा, देखना उसको नहीं भेल। और टेक सोल्यूशन का वीडियो देखना चाहते हैं कल का, तब मिलेगा, वीडियो को देख ले। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।